हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू पीसीएस सारथी चैनल में। और मैं अभिनव राज आपके लिए 67th बीपीएससी के मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस की एक सीरीज लेकर आ रहा हूँ। यहाँ पर हम मेंस रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और आज वाले स्पेशल वीडियो में ये बात है कि यहाँ पर हम पूर्ण रूप से पीपीटी को भी बाइलिंगुअल कर दिए हैं। जो आप में से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हिंदी मीडियम में चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं, तो इसी बात को देखते हुए अब से हमारा हर जो स्लाइड है वो हिंदी भाषा में भी अवेलेबल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा विवरण दे दूं। तो मैं अभिनव राज बिहार गवर्नमेंट में सर्व कर रहा हूँ एज रेवेन्यू ऑफिसर, और मेरी भी सिलेक्शन जो है 64th बीपीएससी से हुई थी। और यहाँ पर मैं आपके साथ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करता हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो टेलीग्राम ऐप पर अभिनव _ सर _ बीपीएससी लिख के आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और तैयारी से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई दुविधा है, कोई संशय है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप डायरेक्टली मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। और इतना ही नहीं, मैं ये भी कहता हूँ कि अगर आप लोग कोई आंसर लिख रहे हैं मेंस के लिए और लग रहा है कि नहीं इस आंसर में कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है क्या, एक बार मुझे दिखा लेना चाहिए सर से, तो उसके लिए भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली मुझे भेज सकते हैं वो फाइल, मैं उसे इवेल्युएट करूँगा और फिर मैं आपको उससे रीसेंड कर दूँगा, ये देखते हुए कि उसमें क्या कुछ एडिशन करने की ज़रूरत है, क्या एक्स्ट्रा लिखा गया है, क्या नहीं लिखा जाना चाहिए, क्या हाईलाइट किया जाना चाहिए, इस तरीके से सारे पहलुओं को फोकस करते हुए। और आज जो हमारा टॉपिक है, फर्स्ट पेज से आपको पता चल गया होगा, द रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी 1857 की विद्रोह। इससे पहले हम लोग कला और स्थापत्य के तीनों लेक्चर्स को देख चुके हैं, पाल कला, मौर्य कला और पटना कलम। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने ट्राइबल रिबेलियन को देखा, जिसमें हमने संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह को कवर किया। अब यहाँ पर हम 1857 के विद्रोह को देखने वाले हैं। बीपीएससी इसको लेकर कई बार लगातार सवाल पूछ चुकी है, जैसे 47वीं बीपीएससी में पूछा गया था कि डिस्कस द कॉज ऑफ द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार एंड अकाउंट फॉर इट्स फेलियर। तो देखिए, यहाँ पर इस सवाल में ही कहा गया है कि ये वाला जो विद्रोह था 1857 का, उसकी वो विद्रोह असफल था। ये तभी तो कह रहा है कि उसके असफलता का उल्लेख करिए। ये आपका पहलू नहीं जानना चाह रहा है कि क्या आपके हिसाब से ये एक सफल विद्रोह था या असफल विद्रोह था। आयोग का मानना है कि 1857 का विद्रोह जो था वो असफल हो चुका था। किन कारणों से हुआ था, उन कारणों का आपको उल्लेख करना है सवाल के दूसरे भाग में। देखिए, यहाँ पर एक एंड दिया हुआ है, एंड से पहले एक सवाल और एंड के बाद एक सवाल, यानी मान लेते हैं कि ये प्रश्न आपसे 38 मार्क्स में पूछा जाता है, 38 मार्क्स में पूछा जाता है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो पहला वाला हिस्सा है इसके लिए आपको 19 मार्क्स मैक्सिमम अलॉट होंगे और दूसरे वाले हिस्सा के लिए मैक्सिमम 19 मार्क्स अलॉट होंगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या गलती करते हैं कि कॉज ऑफ आउटब्रेक जो है इसी को बताते बताते 3/4 से अधिक समय और पेज जो है वो व्यर्थ कर देते हैं, और जब फेलियर को अकाउंट करना हुआ तो बस 3-4 लाइन में फेलियर को अकाउंट कर दिए और एंसर को कंक्लूड कर देते हैं। अब यहाँ पर होता यह है कि कोई भी व्यक्ति जो आंसर जांच रहा है वो देख रहा है कि आपने दूसरे पार्ट को लिखा ही नहीं है। दूसरे पार्ट में मान लेते हैं कि आपको 1-2 नंबर दे दिया और जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको 16 नंबर दे दिया, मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, तो आपको मैक्सिमम इसमें 18 नंबर आ जाएंगे और आप कहेंगे कि 38 नंबर का सवाल था, भर भर के लिखे थे, मतलब गजब ही लिखे थे हम, और फिर भी हमको मार्क्स नहीं आया। तो उसका वजह जो है वो इस तरीके से होता है, ये समझने की जरूरत है। 56वीं से 59वीं बीपीएससी में पूछा गया था, क्रिटिकली एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 विद ए स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। देखिए, यहाँ 1857 की विद्रोह के बारे में, मतलब इसको पूछा जा रहा है कि बिहार के विशेष संदर्भ में 1857 की क्रांति के महत्व का
आलोचनात्मक विवेचना कीजिए, आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है और बताना है उसके पॉजिटिव और निगेटिव्स को, मतलब जो कमियां रही हैं उससे भी उल्लेख करना है और जो इसमें अच्छी बातें रही हैं, जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उस पर भी आपका ध्यान जाना चाहिए। 63वीं बीपीएससी में पूछा गया था कि सन 1857 के विद्रोह में बिहार के योगदान की विवेचना करिए, तो जो सवाल 56वीं से 59वीं में पूछा गया और जो 63वीं में बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, लेकिन यहाँ पर बिहार के योगदान यानी कंट्रीब्यूशन को डायरेक्टली बोला जा रहा है, लेकिन इससे पहले वाला जो सवाल था आप यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि बिहार के विशेष संदर्भ में, ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है और इस बात को समझना है। मार्केट में 1857 के क्रांति से बहुत सारे सवाल आपको मिल जाएंगे। ये ऐसा भी एक सवाल हो सकता है कि क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ कुंवर सिंह इन द रिवोल्ट ऑफ 1857, जैसा कि 53वीं से 55वीं में पूछा गया, यानी कि 1857 के विद्रोह से या उसके आजू बाजू से सवाल पूछे जाते हैं। अब अगर रोल ऑफ कुंवर सिंह पर सवाल पूछ दिया गया तो अब यहाँ पर आप पूरा कॉज इफेक्ट और रिजल्ट पर चर्चा नहीं करेंगे और ये भी नहीं बताएंगे कि ये पैन इंडिया था कि नहीं था, क्योंकि ये कहलाएगा बीटिंग अबाउट द बुश, यानी इधर उधर की बात करना। यहाँ पर सवाल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि बाबू कुंवर सिंह के कंट्रीब्यूशन का आपको जिक्र करना है तो वहाँ पर आप इनके पूरे इस जर्नी को बता दीजिए कि किस तरीके से ये स्ट्रगल में कूदते हैं, कैसे कैसे ये आगे बढ़ते हैं, झारखंड के लोगों को कैसे एड्रेस करते हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों को कैसे समर्थन देते हैं और किस तरीके से पैरेलल गवर्नमेंट इनके भाई के द्वारा चलाई जाती है। यहाँ पर भोजपुर का क्या रोल है, जगदीशपुर का क्या रोल है, दानापुर का क्या रोल है, ये सब कुछ इस तरीके से आप प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। यानी 1857 के क्रांति में कुंवर सिंह की भूमिका का मूल्यांकन करना है आपको, ऐसा पूछा गया था 43वीं बीपीएससी में, फिर 53वीं से 55वीं में पूछा गया था, ये सब सवाल पूछे जाते रहे हैं या पूछा गया था। और एक बार का ये सवाल देख लीजिए 41वीं बीपीएससी, ये बड़ा ही मजेदार सवाल है। इट इज डिफिकल्ट टू अवॉइड द कंक्लूजन दैट द सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 इज नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कमेंट। अब ये जो सवाल है ये आपके थॉट प्रोसेस को जानना चाह रहा है और भर भर के आपको लिखना भी है। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि इस निष्कर्ष से बचना मुश्किल है कि तथाकथित, देखिए यहाँ पर इस तरीके के शब्दों का प्रयोग है, तथाकथित या सो कॉल्ड प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 न तो पहला न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था, इस पर आपको टिप्पणी करना है। अब ऐसे सवालों में कितना क्रिटिकल होके जवाब देना है आप सोच सकते हैं, सवाल की गंभीरता को समझ सकते हैं। अब जैसे कहा गया कि ये फर्स्ट है तो इस बात से आप सहमति जाहिर कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे सोचिए कि ये वी डी सावरकर जी के द्वारा कहा गया कि आज़ादी का ये प्रथम विद्रोह था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, लेकिन क्या ये फर्स्ट था, इस बात को भी आप रख दीजिए। तो आप कहेंगे कि नहीं ये फर्स्ट नहीं था क्योंकि इससे करीब 50 साल पहले हमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट विद्रोह देखने को मिलते हैं, 40 साल पहले पाइका देखने को मिलता है, जस्ट 1857 के जस्ट पहले 1855-56 में संथाल विद्रोह होता है, इससे पहले न जाने कितने ट्राइबल रिबेलियंस वगैरह हुए थे। तो ये कहना कि स्वतंत्रता की ये पहली लड़ाई है ये बहुत तर्कसंगत बात नहीं है, लेकिन हाँ इस स्तर पर ब्रॉड स्तर पर ये हुआ था और मेजर इवेंट है। एक यहाँ पर हम देखते हैं कि टाइम का चेंज देखने को मिलता है हिस्टोरिकल पीरियड में, इसलिए कई बार इसको फर्स्ट के रूप में उल्लेख किया जाता है। फर्स्ट जो है महानतम को भी कहा जाता है, लेकिन कोई भी युद्ध जो लड़ा गया और जिन लोगों ने अपनी प्राण की आहुति दे दी उसमें किसी की जो वीरता है, किसी का बलिदान बड़ा या छोटा नहीं होता है, बलिदान तो बलिदान होता है, इस बात को भी समझना जरूरी है। इसी क्वेश्चन में जैसे आगे बात किया गया था कि नॉर नेशनल कि ये जो है जो कहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर था, तो नहीं ये नहीं था, ये भी बात जाना हुआ है क्योंकि 1857 की जो विद्रोह थी उसका कवरेज जो है केवल उसका डिस्टर्बेंस
केवल उत्तरी भारत में देखने को मिलता है, जो दक्षिण का भारत है वो तो अछूता था इससे कहीं ना कहीं। और यहाँ कहा गया कि ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। अब इस बात को आप कैसे बोलेंगे? देखिए, जो भी 1857 के क्रांतिकारी थे, जैसे कि मंगल पांडे हुए, बाबू कुंवर सिंह हुए, या फिर वीरांगनाओं में हम बात करें तो झांसी की रानी, या और भी लोग, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, सभी लोगों का योगदान है। ये भी बात सत्य है कि वो पैन इंडिया के कंसेप्ट के लिए स्ट्रगल नहीं कर रहे थे, वो अपने राज्य को, अपने स्टेट को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। तो इस वजह से कहा गया कि ये स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, ये तो मतलब कि कई तरीके के स्ट्रगल्स थे। हम देखते हैं कि पॉलिटिकल कॉज, सोशल कॉज, इकोनॉमिकल कॉज, सब कुछ है। और यहाँ पर जो भी कन्फाइनमेंट था वो अपने टेरिटरी को लेके था, यहाँ के लोगों का, जो कह लें कि अपने राज्य और अपने देश के प्रति जो निष्ठा था उसके लिए सभी ने तलवार उठाया था। लेकिन ये कहना कि केवल वो अपने तक कन्फाइन थे, ये भी सही नहीं है, क्योंकि हमें बहुत सारे इंस्टेंस मिलते हैं कि यहाँ सभी लोग मिल के लड़ाई लड़ रहे थे, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे थे, अंग्रेजों को खदेड़ा जा रहा था। खैर, जो भी था, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रगल था। अंग्रेज अपने डॉक्यूमेंट में इस स्ट्रगल को तो सैनिक विद्रोह कह के छुपाने की कोशिश करते हैं। वही बात आ जाती है जब हम सबॉल्टर्न हिस्ट्री की बात करते हैं, बॉटम टू टॉप अप्रोच जब देखते हैं, तो ये घटना असाधारण प्रतीत तो होती ही है। और यही बात है कि उस परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में हमें पहचान हुई है अपने ग्रेट हीरोज की। तो 1857 पर एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है, तो आप इस तरीके से जैसे सवाल होगा कि इवेल्युएट करिए 1857 को, कितना सफल था, कितना असफल था, इवेल्युएट करना है। या फिर रोल ऑफ बिहार से सवाल पूछ लिया जाए, या रोल ऑफ कुंवर सिंह, ये हमें लगता है कि इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। और आप इसमें जैसे कि अपने कमेंट करने को पूछा जाए, या फिर पैरामीटर कि कितना सक्सेसफुल था, ये सब कुछ। तो देखिए, मैं थोड़ा पहले चलता हूँ, हम बात कर रहे हैं पलासी के विद्रोह, कब हो रहा है ये। तो देखिए, 1857 के विद्रोह से हम अभी 100 साल पहले चले जाते हैं। उस समय की क्या स्थिति थी कि यहाँ पर जो बंगाल वगैरह का क्षेत्र था, यहाँ पर नवाब सिराजुद्दौला थे, लेकिन यहाँ पर जो ये कंपनी है, ये आके अब अपना रूल करना चाह रही है, बहाना ढूंढ रही है कि किस तरीके से सिराजुद्दौला से लड़ाई लड़ा जाए, और किस तरीके से उनके ही लोगों को ट्रेटर बना के, और फिर पूरे के पूरे स्ट्रगल को अंजाम दिया जाता है। बैटल ऑफ पलासी के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये एक ऐसी लड़ाई थी, या ये ऐसा युद्ध है जो कि धरती पर लड़ा ही नहीं गया। ओके, कहने का मतलब है कि सिराजुद्दौला के जो साथ वाले लोग थे वही उन्हें धोखा दे देते हैं और बोलते हैं कि जनाब आप चलिए, हम तो अंग्रेजों के यूं ही मार भगाएंगे। और वो जैसे आगे बढ़ते हैं उन्हें तो मार दिया जाता है। और यहाँ पर पहले से पता था कि अंग्रेजों को विजयी घोषित कर देना है, और वही होता है। द सर्वेंट्स ऑफ कंपनी वेयर इंडल्ज इन ए व्यूज ऑफ दस्तक इन इनलैंड ट्रेड एंड डू नॉट पे टैक्सेज, तो ड्यूटी वगैरह नहीं देते थे। यहीं से देखिए बात खराब होनी शुरू होती है। कंपनी के नौकरों या नौकरशाहों का दस्तक का दुरुपयोग करके अंतर्राष्ट्रीय, ये या कहले अंतर्देशीय व्यापार में शामिल किया गया था, और शुल्क का भुगतान नहीं किया जा रहा था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब हैं, उनकी एक स्ट्रगल होती है रॉबर्ट क्लाइव के साथ, जो कि ब्रिटेन का परचम लहरा रहा था। और यहाँ पर जो विश्वासघाती थे, इसमें मीर जाफर और मोहन लाल का नाम आता है, मीर जाफर कमांडर के तौर पर, देख ये मीर जाफर और ये जो मोहनलाल है, ये कमांडर था आर्मी का। हम इसके बाद क्या देखते हैं कि मीर जाफर जो है उसको गवर्नर वगैरह बना दिया जाता है क्लाइव के दौर में। और 1756 की बात करें, देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है डेट या ईयर कहने कि इंग्लिश हैज एस्टेब्लिश्ड मेनी फैक्ट्रीज इन बिहार, मतलब पटना में, और उनका जो सोल ट्रेडशिप था वो स्टार्ट होता है
साल्ट पीटर का, साल्ट पीटर यानी आप इस तरीके से सोरा कह सकते हैं, उसकी यहाँ पर हम देखते हैं कि व्यापार शुरू होती है 1758 में। आगे चल के हम देखते हैं कि 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है, ये भी बिहार से इत्तेफाक रखता है, और धीरे 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 ये जो पूरा बंगाल का, बिहार का, उड़ीसा का सारा ये जो प्रांत है अंग्रेज अपने चंगुल में ले लेते हैं, पलासी, पलासी के बाद बक्सर, और इसके बाद ये तय हो जाता है जो अलाहाबाद की संधि वगैरह होती है, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर लॉर्ड क्लाइव दो सेपरेट ट्रीटी साइन होते हैं, एक जो होता है मुगल जो शासक रहते हैं शाह आलम द्वितीय के साथ 12 अगस्त 1765 को, और दूसरा शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे उनके साथ 16 अगस्त 1765 को। और यहाँ पर एक तरीके से ये साबित हो गया, तय हो गया कि अब भारत के भाग्य विधाता यहाँ से हो जाते हैं अंग्रेज, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है बिहार के लिए एक अपना प्रशासक चूज करती है, डेप्यूटी गवर्नर चूज करती है, और यहाँ पर बिहार में सिताब राय को नायब यानी कि डेप्यूटी दीवान अपॉइंट किया जाता है। सिताब राय के डेथ के बाद अगर हम बात करें सन 1773 की, तो वैरन हेस्टिंग्स के द्वारा कल्याण सिंह को दीवान अपॉइंट किया जाता है जो कि सिताब राय के पुत्र हैं। ये सब बिहार में चल रहा है। और यहाँ पर जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है वो काउंसिल के भरोसे छोड़ा गया था। आगे चल के ख्याली राम, संधू राम, ये सब नायब दीवान वगैरह बनते हैं कल्याण सिंह के अंदर में। ये सब कुछ हो रहा है। अब जो माहौल है धीरे धीरे खराब हो रहा है। 1770 की बात है कि एक राजस्व के लिए काउंसिल भी बना दी गई थी पटना में, जो कि बाद में रिप्लेस कर दी गई रिवेन्यू चीफ ऑफ बिहार के नाम से 1781 में। 1783 की बात है कि एक बहुत ही तगड़ा गजब का सुखाड़ आता है, फेमिन आता है इस क्षेत्र में, और यहाँ पे गोलघर के निर्माण वगैरह की बात की जाती है, और गोलघर का मैंने यहाँ थोड़ा जिक्र कर दिया है। ये आप एक अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं कि अंग्रेजों का किस तरीके से इस क्षेत्र में रोल बढ़ता जा रहा था, ठीक है। अब 1857 की विद्रोह के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि क्या ये पहला विद्रोह था, नेशनल था, तो देखिए इस तरीके से कह सकते हैं कि फर्स्ट एक्सप्रेशन था ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस का। इससे पहले जो भी हम देखते हैं वहां पर हमें एक ऑर्गेनाइजेशन की कमी दिखती है, लोग जो है एक तरीके से उस स्तर पर संगठित नहीं थे जिस स्तर से संगठित होना चाहिए था, तो ये फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस था, इस बात को तो आप कह ही सकते हैं, ठीक है। इससे पहले जो जनजातीय विद्रोह वगैरह हुए वहां पर जरूर स्ट्रगल हुआ, रेजिस्टेंस था, लेकिन इस स्तर का ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस इतने मास लेवल पर नहीं देखा जा रहा था, ठीक है। ये जो विद्रोह है वो तो एक सिपोही यानी कि सैनिक विद्रोह के रूप में शुरू होता है, और वो आगे आगे उसमें आम जनता की भागीदारी होती चली जाती है। कई नामों से इसको जाना जाता है, जैसे कि सिपोही मुटनी, जैसा कि ब्रिटिश हिस्टोरियन लिखते हैं सैनिक विद्रोह इसका मतलब हुआ, इंडियन मुटनी कहा जाता है, ग्रेट रिवेलियन कहा जाता है इंडियन हिस्टोरियंस के द्वारा, रिवोल्ट ऑफ 1857, इंडियन इंसरेक्शन कह सकते हैं, इसी तरीके से फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये वी डी सावरकर के द्वारा कहा गया, ये सब जान लीजिए। अब हम आ जाते हैं बिहार में, तो बिहार में ये कारण वगैरह जो है, जो रिजल्ट है उस पर हम बात करेंगे, थोड़ा बिहार के टाइमलाइन को समझ लेते हैं। तो 1857 बिहार, बिहार में रोहिणी का क्षेत्र जो कि आज के झारखंड में देवघर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर 12 जून 1857 को स्ट्रगल जो है स्टार्ट होता है 32nd इन्फेंट्री रेजिमेंट में। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि 3 इंग्लिश ऑफिसर्स जो थे, नॉर्मन लेस्ली, कमांडर मेजर मैकडोनाल्ड और सर्जन डॉक्टर ग्रांट, इनको मार दिया जाता है, दे वेर किल्ड। इसके बाद यहीं से चीजें शुरू होती हैं। पटना में अगर विद्रोह को समझना चाहें तो 3 जुलाई 1857 पीर अली साहब जो कि एक पुस्तक विक्रेता थे, इनके अंडर में लोग ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और यहाँ स्ट्रगल शुरू होता है। और जो डेप्यूटी ओपीएम एजेंट था पटना ओपीएम एजेंसी का, ओपीएम मतलब अफीम, जिसका नाम है डॉक्टर लैल, इसको मॉब जो है
मार देती है, अब एक तरीके से उसका लिंचिंग कर दिया जाता है। ये जो अपराइजिंग है इसको सप्रेस कर दिया गया, और इसके लीडर्स थे पीर अली साहब, लुफ्त अली खान, शेख घासीला। और यहाँ पर रिबेलियन सिपोही का भी नाम आता है, मोहब्बत अली का, और एक पुलिस जमींदार अली। इन लोगों को फांसी की सजा हो जाती है, देवेर हैंग। ठीक है, इसी बात को यहाँ पर हिंदी में भी मेरे द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया है आपके लिए। अब हम क्या देखते हैं कि पटना की तो बात हो गई, पटना के अलावा ये जो तिरहुत का क्षेत्र है, यानी कि मुजफ्फरपुर वैशाली वाला जो क्षेत्र हो गया वो तिरहुत, इसी तरीके से सारण यानी कि छपरा जिसका मुख्यालय है, या गोपालगंज का जो इलाका है, आरा यानी कि पार्ट ऑफ शाहबाद, ये सब भी काफी ज्यादा इन्वॉल्व थे। और शाहबाद के क्षेत्र से ही कनेक्शन है बाबू कुंवर सिंह का। उससे पहले हम थोड़ा मुजफ्फरपुर तिरहुत प्रांत की बात कर लें तो डेट चल रहा है 25 जुलाई 1857। 25 जुलाई दानापुर कैंट में भी हम देखते हैं कि विद्रोह हो जाता है, और यहाँ पर ये जो विद्रोह है संपूर्ण बिहार में फैल जाता है। जो 12वीं इरेगुलर कैवेलरी थी सगौली में, यहाँ पर देखते हैं कि वहाँ भी आउटब्रेक होता है, और चंपारण और सारण का क्षेत्र उसे प्रभावित होता है। जो बिहार में सपोर्ट नहीं मिला, समर्थन नहीं मिला, वो नहीं मिला महाराजा ऑफ दरभंगा से, महाराजा ऑफ डुमरांव और महाराजा ऑफ हथवा से, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। और मुंगेर जो है ये अनएफेक्टेड रहा, यानी यहाँ पर प्रभाव ही देखने को नहीं मिला 1857 के विद्रोह का। तो अब ऐसे देख लीजिए कि यहीं पर हम देखते हैं, अभी तो हम पैन इंडिया की बात कर रहे थे, संपूर्ण भारत की बात कर रहे थे, लेकिन यहीं पर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कि एकदम ही प्रभावित नहीं थे, वहां पर कोई असर ही देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसको किस तरीके से कहना सही रहेगा कि ये पैन इंडिया था या नेशनल अप्रोच था, बड़े स्तर पर भी हमने यही देखा। और जो ये पटना डिवीजन है, यहाँ पर ये डीपली अफेक्टेड क्षेत्र था, क्योंकि जो सोल्जर्स थे, जो सिविलियंस थे, ये दोनों मिलके एक साथ फाइट में आ जाते हैं, एक साथ मिलके विद्रोह करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और उस समय जो इस क्षेत्र का, पटना डिवीजन का जो कमिश्नर था विलियम टेलर, उसी के समय में ये सब हो रहा था। गया का क्षेत्र भी प्रभावित था, क्योंकि यहाँ जो ग्रामीण लोग थे वो रिवोल्ट कर देते हैं, जो दानापुर के सैनिक होते हैं वो रिवोल्ट करते हैं, और वो अल्टीमेटली चले जाते हैं बाबू कुंवर सिंह के लीडरशिप में। और ब्रिटिशर्स ने बहुत कुछ प्रयास किया कि सप्रेस कर दिया जाए स्ट्रगल को, बहुत लोगों को फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिया गया, लेकिन उससे क्या होना था, जो आग थी वो भड़क चुकी थी। यहां पर इस तरीके से भी जो सवाल आते हैं कि रोल ऑफ कुंवर सिंह इन द रिवोल्ट, तो देखिए बाबू कुंवर सिंह जो है ये मोस्ट नोटेबल फिगर है। अगर हम बिहार के 1857 के विद्रोह की बात करें, यानी कि सबसे उल्लेखनीय व्यक्ति में से एक है, या सबसे उल्लेखनीय व्यक्ति हैं, जगदीशपुर से आते हैं। और अभी कुछ ही समय पहले बाबू कुंवर सिंह के जयंती पर जगदीशपुर में हमारे होम मिनिस्टर आए हुए थे, और वहां पर नेशनल फ्लैग एक साथ मैक्सिमम फहराने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी स्थापित किया गया जगदीशपुर भोजपुर बिहार में। ठीक है, बाबू कुंवर सिंह का जो ये टाइम स्केल दिया गया है कि 1777 से लेकर 1858 तक, यानी जब ये विद्रोह हो रहा था तो वो 80 साल के थे, और 80 साल की अवस्था में वो ऐसे लड़ रहे थे जैसे कि 25 साल का कोई युवक हो। ठीक है, और ये एक रॉयल राजपूत फैमिली से आते थे, जो कि अभी फिलहाल ये भोजपुर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, उस समय शाहबाद कहा जाता था। और ये आर्मी सोल्जर्स को लीड कर रहे थे अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी, और फिर यहाँ पर इन्होंने विजय भी हासिल की, जीत भी हासिल की बहुत सारे स्ट्रगल्स में। जो आरा में महाराजा कॉलेज है उसमें आप देख सकते हैं कि एक कंपार्टमेंट है, सेक्शन है, जिसको कि बाबू कुंवर सिंह कैप्चर कर लिए थे, और वहां से पैरेलल गवर्नमेंट चलाई जा रही थी।
वहाँ एक टनल भी है, उस टनल का भी बहुत जगह इतिहास में जिक्र है। कुंवर सिंह सक्सेसफुल रहे आरा को ऑक्युपाई करने में 27 जुलाई 1857, क्योंकि जो कंपनी जहाँ से कमांड हो रही थी, कंट्रोल हो रही थी, मैं जिस जगह का अभी जिक्र कर रहा था महाराजा कॉलेज के अंतर्गत, उसी जगह को कब्जे में ले लेते हैं और बाद में ब्रिटिश फोर्स को ये हराते हैं अलोंग विथ नाना साहब पेशवा इन आजमगढ़। तो देखिए, आरा को जीतने के बाद कुंवर सिंह रुकते नहीं हैं, यहाँ से ये उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जाते हैं और वहाँ ये समर्थन दे रहे थे नाना साहेब का। ओके, तो इस तरीके की बातों का उल्लेख हो जाना बहुत जरूरी है कि 1857 के विद्रोह में ऐसे भी हमें इंस्टेंस देखने को मिलते हैं कि ये जो जो बात होती है कि जो भी स्ट्रगल यहाँ हो रहे थे, जो भी रेवोल्यूशनरीज थे, वो अपने राज्य को, अपने क्षेत्र को बचाने में लगे हुए थे, लेकिन यहाँ बाबू कुंवर सिंह का ऐसा कोई रोल तो नहीं समझ आ रहा है। ऐसा होता कि वो जगदीशपुर में केवल पैरेलल गवर्नमेंट स्थापित करके शांत बैठ जाते, तो ये भी देखने को नहीं मिल रहा है। हमें ये समझ आ रहा है कि यहाँ से ये कई बार झारखंड गए, पलामू वगैरह के क्षेत्र के लोगों को रिचार्ज करने का काम करते हैं, वहाँ भी लीडरशिप प्रदान करते हैं और वहाँ से फिर ये आजमगढ़ जाते हैं। जाने आने का साधन घोड़ा था और 80 साल की अवस्था में आप सोच सकते हैं कि 80 ईयर्स के एज में कोई घोड़ा चला के इतनी दूरी तय कर रहा है, इतने जोश में है, तो उस इंसान को ही देख के पूरी जो आबादी है वो तो ऐसे ही एनर्जेटिक हो जाएगी। और स्ट्रगल तो कितना सक्सेसफुल हो गया वहीं पे, यहीं पर अंग्रेजों की हार हो गई। आगे हम क्या देखते हैं कि जो रिबेलियंस होते हैं दानापुर के, या छोटा नागपुर का क्षेत्र यानी आज का जो झारखंड है, मानभू का क्षेत्र, सिंहभू यानी जो ये चाईबासा, जमशेदपुर, टाटा, साक्षी वाला जो इलाका है और जो पलामू वाला इलाका है, वो भी स्ट्रगल करना चाह रहे थे अंडर द लीडरशिप ऑफ कुंवर सिंह, और कुंवर सिंह उन्हें भी लीडरशिप प्रदान कर रहे हैं। कुंवर सिंह ने एस्टेब्लिश किया एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ आर्म्स एंड एमुनेशंस एट जगदीशपुर। इस बात को आप बता सकते हैं कि उस समय हथियार और गोली बारूद के निर्माण के लिए एक कारखाना, एक इकाई जो है वो जगदीशपुर में स्थापित किया गया कुंवर सिंह के द्वारा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके पास इस तरीके का व्यवस्था था, एक मड फोर्ट बना के इस तरीके से व्यवस्था किया गया था कि जरूरत पड़े तो 20,000 सैनिकों को वो लगातार 6 महीने तक स्टेशन करके खाना खिला सकते थे। यानी इतनी लोगों की सपोर्ट उनको थी। इस बात को भी आप समझ सकते हैं कि लोग जिस स्तर से आके कंट्रीब्यूट कर सकते थे वो कर रहे थे। श्रमदान वगैरह भी यहाँ पर देखने को मिला है बहुत सारे इंस्टेंसेज में। अब बात होती है अगस्त 1857 की। विंसेंट आयर ये कैप्चर कर लेता है जगदीशपुर को और कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है कुंवर सिंह का जो किला होता है, लेकिन कुंवर सिंह कंटिन्यू करते हैं अपना स्ट्रगल ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, वो रुकते नहीं हैं। और बात 23 अप्रैल 1858 की है, जब कुंवर सिंह की आर्मी डिफीट कर देती है, हरा देती है ब्रिटिश फोर्स को, जिसको लीड कर रहा था कैप्टन ली ग्रैंड। लेकिन इस दौरान होता क्या है कि कुंवर सिंह के बांह में गोली लग जाती है और इसी के आगे फलस्वरूप क्या होता है कि उस समय की जो कारतूस होते थे उसमें पॉइजन होता था, पॉइजन हाथ में फैलने लगता है, तो कुंवर सिंह अपना एक हाथ काट के गंगा माँ को दान कर देते हैं। और इसके बाद ये होता है कि वह बीमार रहने लगते हैं और अंत में हम देखते हैं कि 26 अप्रैल 1858 को, यानी कि जब विद्रोह शुरू की गई है उसके 8 महीने 9 महीने जब हो गए थे, ठीक है, तो बाबू कुंवर सिंह का यहाँ निधन हो जाता है उनके ही पैतृक गांव जगदीशपुर में। ये जो फाइट है इसके कुछ समय बाद तक कंटिन्यू रहता है, कुछ समय बाद तक कंटिन्यू रहता है उनके भाई अमर सिंह के द्वारा और उनके भतीजे हरि किशन सिंह के द्वारा। और ये जो रिबेलियन है ये कंप्लीटली सप्रेस कर दिया गया दिसंबर 1859। देखिए, इस बात को समझिए कि 1857 की क्रांति 1857 के जून वगैरह में यानी 6 माह बीतने पर शुरू होती है और ये दिसंबर 1859 तक चलती है, यानी करीब 1.5 वर्ष तक अंग्रेज जो हैं इस क्षेत्र में परेशान रहते हैं, तबाह रहते हैं,
वो शांति से तो नहीं ही बैठ पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये सब कुछ आपको समझने को मिलता है। ये थोड़ा सा जो है क्रोनोलॉजी बिहार के संदर्भ में बहुत अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा। आप रोहिणी से शुरू करते हुए पटना, मुजफ्फरपुर, तिरहुत का क्षेत्र जो हो गया, सारण का क्षेत्र, चंपारण का क्षेत्र, जगदीशपुर का क्षेत्र, रोल ऑफ कुंवर सिंह, कुंवर सिंह कहाँ जाते हैं, और यहाँ पर पलामू, सिंहभूम, मानभूम, छोटा नागपुर, आजमगढ़, इन सारे जगहों का जिक्र करते हुए एक अच्छा आंसर आप कंपाइल कर सकते हैं। अगर अन्य क्षेत्रों की बात करें बिहार में, तो जो सैनिक थे और जो सिविल पॉपुलेशन था वो एक साथ आके युद्ध कर रहे थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि छोटा नागपुर का क्षेत्र, मानभू का क्षेत्र, सिंहभू का क्षेत्र और पलामू का क्षेत्र। कहने का मतलब है कि कुंवर सिंह जिन्हें लीड कर रहे थे, कहने का अर्थ है कि जिन्हें कुंवर सिंह लीड कर रहे थे, जहां पर कुंवर सिंह लीडरशिप दे रहे थे, उन एरियाज को भी हम समझ रहे हैं कि वहां काफी कुछ हो रहा था, लगातार हो रहा था। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर आपने तो 1857 के विद्रोह के कारण नहीं बताए या जो रिजल्ट है उस पर चर्चा नहीं किया आपने, तो मैं उस पर सेपरेटली चर्चा कर लूंगा, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जब हम आगे मिलेंगे तो वो सब कुछ बहुत है चर्चा करने के लिए, एक वीडियो में बहुत ज्यादा नहीं किया जा सकता है। फिर हम आगे मिलेंगे और बहुत कुछ चर्चा करने के लिए है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस स्पेसिफिक लेक्चर से आप लाभान्वित हुए होंगे। अगर हुए हैं तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।